आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि आरंभ होने वाले हैं। दुर्गा माता की उपासना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2023 की डेट्स, कलश स्थापना का मुहूर्त, नवरात्रि के 9 दिन के 9 रंग, नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 प्रकार के भोग, नवरात्रि में इन 9 प्रकार के भोगों का और 9 रंगों का क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्रि में 9 प्रकार के रंगों और 9 प्रकार के भोगों का क्या महत्व है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता दुर्गा का प्रत्येक स्वरूप अलग अलग शक्तियों के लिए जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 रंग और अलग अलग 9 भोग निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक दिन के लिए एक खास रंग और एक खास भोग निर्धारित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 अलग अलग रंगों और 9 अलग अलग भोगों का उपयोग कर माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यदि नवरात्रि में भक्त इन 9 दिनों में इन 9 विशेष रंगों को पहनते हैं या इन 9 रंगों के आसन बिछाते हैं या माँ दुर्गा को इन्हीं 9 रंगों के वस्त्र पहनाते हैं अथवा चुन्नी उड़ाते हैं तो माँ दुर्गा उस भक्त पर अति प्रसन्न हो जाती है और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाने लगती है। विज्ञान की भाषा में रंगों से जुड़े इस महत्व को कलर थेरेपी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के ये 9 रंग कुंडली में स्थित हमारी ग्रह दशा को भी सुधार देते हैं। इन 9 रंगों के साथ साथ नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को उनके हर स्वरूप के लिए एक खास और एक अलग प्रकार का भोग निर्धारित किया गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रत्येक दिन के मुताबिक भोग अथवा प्रसाद अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ दुर्गा को ये विशेष भोग अर्पित करने से और बाद में उसे गरीबों को दान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्रि की डेट्स तथा 9 दिन के 9 रंग और 9 भोग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 10 दिनों की मनाई जा रही है जो कि 22 मार्च से आरंभ होंगे और नवरात्रि पारण 31 मार्च को होगा। चैत्र नवरात्रि आरंभ होंगे 22 मार्च 2023 बुधवार से। प्रथम नवरात्रि कलश और घट स्थापना। कलश स्थापना का मुहूर्त होगा बुधवार 22 मार्च सुबह 6:23 से लेकर 7:32 तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी 21 मार्च 2023 को रात 10:52 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 मार्च को रात 8:20 पर होगा। प्रथम नवरात्रि पर होती है माता शैलपुत्री की पूजा। प्रथम नवरात्रि का रंग, माता शैलपुत्री को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। लाल रंग उल्लास, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लाल रंग पहनने से माता शैलपुत्री अत्यधिक प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती है और इच्छित फल प्रदान करती है। इस दिन माँ को लाल रंग की साड़ी, चुन्नी, सिंदूर और पूजा में लाल फूल अर्पित करने चाहिए। प्रथम नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से माँ आरोग्यता का आशीर्वाद देती है, अर्थात सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी रोग भी दूर भाग जाते हैं। 23 मार्च 2023 वार गुरुवार, दूसरा नवरात्रा। नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। माता ब्रह्मचारिणी कुंडली जागरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। दूसरी नवरात्रि का रंग, माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। पीला रंग पहनने से भक्त की मेघा शक्ति विकसित होती है। पीला रंग खुशहाली और आत्मविश्वास से पूर्ण होता है।
मेडिटेशन के समय दिमाग की शांति के लिए पीले रंग के कपड़े पहनना अति शुभ माना जाता है। यदि आप पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ को पीले रंग की चुन्नी और पीले फूल अर्पित करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्त को यश प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने पीले रंग के वस्त्र धारण करते ही तपस्या की थी। दूसरी नवरात्रि का भोग। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर के भोग से माँ अति प्रसन्न होती है। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग अर्पित करने से घर के सभी लोगों की आयु बढ़ती है। माता को शक्कर का भोग लगाकर बाद में यह भोग परिवार के सभी सदस्यों को बांट देना चाहिए। 24 मार्च 2023 वार शुक्रवार, तीसरा नवरात्रा। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा में हरे रंग का उपयोग किया जाता है। हरा रंग प्रकृति का रंग है जो प्यार, एनर्जी और समृद्धि को दर्शाता है। संबंधों को सुधारने के साथ ही उसमें नई जोश और उमंग भरने का काम करता है। इस दिन हरे रंगों को पहनने से घर में सुख और शांति आती है। आपसी संबंधों में सुधार आता है। इस दिन माता के श्रृंगार में हरे रंग का प्रयोग किया जाना बहुत शुभ माना जाता है। तीसरे नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी हुई खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। 25 मार्च 2023 वार शनिवार, चौथा नवरात्रा। इस दिन होती है माँ के चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा। चौथी नवरात्रि का रंग। इस दिन सलेटी रंग पहनकर आप माँ कूष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से माता कूष्मांडा रोगों को दूर कर धन और यश प्रदान करती है। चौथे नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने के बाद उस भोग को मंदिर के ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। 26 मार्च 2023 वार रविवार, पांचवा नवरात्रा। इस दिन होती है माँ के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा। पांचवी नवरात्रि का रंग। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए तेज से परिपूर्ण माँ स्कंद माता को नारंगी रंग अत्यंत प्रिय है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी माना जाता है। देवी की ममता और कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन नारंगी रंग पहनना अति शुभ माना जाता है। पांचवी नवरात्रि का भोग। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना अति फलदायी होता है। 27 मार्च 2023 वार सोमवार, छठा नवरात्रा। इस दिन होती है माता कात्यायनी की पूजा। छठी नवरात्रि का रंग। ऋषि कात्यायन की पुत्री माता कात्यायनी को सफेद रंग अत्यधिक प्रिय है। यह रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। छठी नवरात्रि का भोग। इस दिन माता कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। 28 मार्च 2023 वार मंगलवार, सातवां नवरात्रा। इस दिन होती है माँ के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा। सातवें नवरात्रि का रंग। माता कालरात्रि को गुलाबी रंग अत्यधिक प्रिय है। आते माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुलाबी रंग पहनना चाहिए। इस दिन माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग अर्पित करने और ब्राह्मणों को गुड़ दान करने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और अचानक होने वाली विपदाओं से माँ रक्षा करती है। 29 मार्च 2023 वार बुधवार, आठवां नवरात्रा। दुर्गा अष्टमी। इस दिन होती है माता महागौरी की पूजा। आठवीं नवरात्रि का रंग। माता महागौरी अपने भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है, इसलिए इस दिन हल्का नीला, आसमानी
अथवा फिरोजी वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है, जो कि शांति का प्रतीक है। आठवीं नवरात्रि का भोग। माता महागौरी को नारियल अत्यधिक प्रिय है। ऐसा करने से संतान संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है और घर में सुख शांति और ऐश्वर्य आता है। 30 मार्च 2023 वार गुरुवार, नौवा नवरात्रा, दुर्गा नवमी। इस दिन होती है माता सिद्धिदात्री की पूजा। नौवी नवरात्रि का रंग। माता सिद्धिदात्री की पूजा में हल्के नीले रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। नौवे नवरात्रि का भोग। नौवे नवरात्रि पर माता सिद्धिदात्री को तिल के लड्डू का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता सिद्धिदात्री अपने भक्त के सभी कष्टों को दूर करती है। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने चैत्र नवरात्रि 2023 के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जय माता दी।